बेसिकली आज अभी सुबह की बात है, यू नो आई वॉज जस्ट चिलिंग अराउंड, आज सब जगह से छुट्टी थी तो आई वॉज जस्ट सेकंड अराउंड माई वीडियोज एंड तभी मेरे को स्वास्थ्य वाला वीडियो मिला जो जिसमें मैंने रिएक्शन किया हुआ था। तो यू नो लोग बहुत मैड लव शो कर रहे थे, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था ये चीज़। मैंने अभी जस्ट स्टोरी डाली थी 10 मिनट पहले कि यू नो यू गाइस आर शोइंग मैड लव एंड माई फ्रेंड्स वर लाइक यू नो आई एम गोना वॉच दिस मूवी, भाई ये जोरदार मूवी होने वाली है। एंड तभी मेरे सामने ये वाला टॉपिक भी आया आरओ फिल्म्स का, जिस पर लिखा हुआ था कि नेपाल में इस गीत पर बवाल क्यों। तो बेसिकली आई थॉट कि भाई इस चीज़ पर अपने को बात करना जरूरी है एंड जस्ट इफ देर विल बी समथिंग रॉन्ग, जो लोग यू नो फालतू का हेट फैला रहे होंगे तो यू नो वी जस्ट काउंटर देम। एंड अगर ये वीडियो मतलब जस्ट नॉर्मली एक चीज़ हुआ तो अपन देख लेंगे जो भी जैसा भी होगा। बट भाई यहाँ पे आरओ फिल्म्स का वीडियो है, ये बंदा भाई बहुत से वीडियोज बनाता है तो यू नो सच सुनने का गुदा रखना, बाकी जो भी जैसा भी अपन एक बार चेक करते हैं। एंड यू नो दिस विल लाइक नॉट बी अ हिप हॉप रिएक्शन और समथिंग, तो अपन बार्स ब्रेक डाउन करने के लिए बार बार स्टॉप नहीं करेंगे, जस्ट अपन पहले पूरा वीडियो देखते हैं एंड अगर अपने को कुछ गलत लगता है तो यू नो मैं अपना ओपिनियन बीच में आखिरी में देता हूँ। तो फॉर नाउ लेट्स गेट इन यार, ठीक है, कोई सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट अपन यहाँ पे देखने आए तो देखते हैं, लेट्स गो। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है, नेपाली एक्ट्रेस स्वास्तिमा खड़का साउथ के फिल्म थीरी माली में नजर आने वाली हैं, जिस फिल्म का गीत रंग बिरंगी यूट्यूब पर आते ही एकदम से व्यूज का बाढ़ ला दिया। इस गीत के यूट्यूब पर रिलीज हुए अभी 24 घंटा भी नहीं हुए थे और 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस गीत को रिपीट मोड पे देखा और देखे भी क्यों ना। इस सॉन्ग में स्वास्तिमा खड़का की बोल्ड अवतार के साथ साथ इनर्जेटिक परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रही थी जो लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन इस गीत को लेकर नेपाल में बहुत बड़ा बवाल हो गया है, विवाद चल रहा है। वजह यह बताया जा रहा है कि इस सॉन्ग में जो लोकेशन दिखाया गया है वो एक कोठे का कहा जा रहा है जिसमें साफ साफ वेश्यावृत्ति को प्रमोट किया जा रहा है। इसके अलावा फिल्म के मुख्य किरदारों को नेपाली लड़कियां सेक्स के लिए रुझाते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के फेमस मॉडल जसिता गुरुंग अदित वेट एक सेकंड भाई, मेरे को लग ही रहा था कुछ ना कुछ लोग ऐसा सोचेंगे, बट ब्रो लाइक व्हाट द फक भाई, तुमको ये समझ नहीं आ रहा है कि इट इज जस्ट अ मूवी गाइस, इट इज जस्ट अ मूवी, ठीक है। वो वहां पे लाइक मैं क्यों ही समझा रहा हूँ, बट भाई यू नो जो लोग प्यार दे रहे हैं, मेरे को पता है यू नो मिलियंस ऑफ लोग इस गाने को प्यार दे रहे हैं, मैं देख पा रहा हूँ मेरे कमेंट सेक्शन में भी इतने लोग यू नो अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं कि यू नो वी आर वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो वहाँ तक पहुँची एंड यहाँ पे यू नो इतना अच्छा उनने सॉन्ग यू नो बनाया है एंड एवरीथिंग। बट भाई मेन चीज़ वो हो जाती है ना कि कुछ लोग भाई मतलब हर चीज़ में गलती ढूंढने लग जाते हैं भाई, बेसिकली वही सीन है ना कि मतलब इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर, ठीक है। वो लोग एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, वहाँ पे एक मूवी चल रही है जिसमें एक आइटम नंबर है और वो जस्ट एक चीज़ का कैरेक्टर प्ले कर रही है, यू नो यू गाइस अंडरस्टैंड, यू नो जैसे कि क्रिश मूवी अगर तुम देखने जाते हो तो वो ऋतिक रोशन असली में उड़ता नहीं है भाई, इट इज़ जस्ट अ कैरेक्टर, तो भी लोग देखते हैं असली में कौन सा बंदा उड़ता है भाई, ठीक है। एवेंजर्स मूवी कौन सा बंदा ऐसे हाथ लगाता है और लोहा खींच के आ जाता है भाई, तो भी लोग देखते हैं ना, इट इज़ जस्ट अ मूवी। वो असली लाइफ में रणवीर सिंह तलवार लेके नहीं निकल जाता ना भाई रोड पे, तो यू नो इन लोगों को मैं समझाने का कोई मतलब नहीं है, पहली बात तो ये यू नो मैं हर एक सब्सक्राइबर को यू नो रिप्लाई करने की कोशिश करना कमेंट सेक्शन पर, जो लोग फालतू हेट फैलाते हैं ना उनको मैं जस्ट सीन करके छोड़ता हूँ, यू नो कि इनको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। स्टिल वी आर हैट यू नो कि भाई वो सॉन्ग इतना अच्छा है तो लोग फालतू के कमेंट्स ना करें, इसलिए अपन अभी भी यहाँ पर बैठ के मैं अपना 10 मिनट भी दे रहा हूँ तुम फालतू लोगों के लिए जो हेट फैलाते हैं। बट स्टिल भाई ठीक है, जो लोग प्यार करते हैं भाई उनके लिए हमेशा दिल खुला है, बट भाई ये लोग फालतू चीज़ें मत करो, ठीक है। यू नो आई अंडरस्टैंड, ठीक है, क्योंकि भाई इन लोगों पर ध्यान क्यों नहीं देना चाहिए पता है, क्योंकि बाहुबली जैसे मूवी आती है, कितनी बड़ी मूवी तुम ले आओ, 500 करोड़ की मूवी तुम ले आओ, स्टिल ये लोग क्या करेंगे पता है, 17 मिस्टेक्स फ्रॉम बाहुबली, 50 मिस्टेक्स फ्रॉम बाहुबली, क्यों जानना है भाई। लोगों ने मूवी देख ली, 2000 करोड़ कमा लिया, लोग जाके देख के आ गए घर पे बैठे मस्त, यू नो, तो भी इनको क्या करना है पता है, उसमें से मिस्टेक ढूंढनी, हर चीज़ में से मिस्टेक ढूंढनी, जस्ट बिकॉज कि भाई उनकी गलतियां निकाल के ये लोग भी यू नो कॉन्ट्रोवर्सी के साथ वायरल होते जाए, इनके व्यूज वायरल होते जाए, तो नो फालतू लोगों पर ध्यान मत दो एंड इट इज़ गोना बी अ बैंगर, ठीक है। वो वहाँ पे कैरेक्टर प्ले करी, उस चीज़ को समझो, ठीक है, इट इज़ अ कैरेक्टर, उसको मूवी को मूवी की तरह लो, लोग यू नो मूवी देखने जाते हो घर पे दिमाग छोड़ के जाया करो, यू नो, नहीं तो तुम फालतू बातें करोगे, तो जस्ट टेक इट ईजी गाइस।
ठीक है, फालतू लोगों पे ध्यान मत दो और आगे सुनते हैं, आगे भी वीडियो है तो शायद से और भी मिस्टेक्स है निकल जाए, तो उसको अपन काउंटर करते हैं, लेट्स गो। आते हुए नजर आ रही हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के फेमस मॉडल जसिता गुरुंग, अदिति बूढ़ा ठोकी, अनिशा ठकुरी के लगायत बहुत सारे ऐसे मॉडल का फोटो का मिस यूज किया गया है इस सॉन्ग में, एज अ सेक्स वर्कर उनको दिखाया गया है, जिसके कारण नेपाल के ये मॉडल्स विरोध जता रही है इस सॉन्ग का, क्योंकि उनके मर्जी के बिना इनका फोटो यूज किया गया था। जब लोगों ने इस सीन को लेकर नाराजगी जताई तो इस फिल्म के मेकर्स ने भी देरी ना करते हुए सॉन्ग से नेपाली मॉडल्स का सीन डिलीट कर दिया है, जो अब आप लोग देख सकते हो सॉन्ग पे जाकर वो सीन कट कर दिया गया है। That's the thing which is wrong, ठीक है? ये चीज मैं भी मानता हूँ कि ये चीज बहुत गलत की गई है यहाँ पे। तो बेसिकली आरओवी फिल्म्स ने एक ऐसा वीडियो बना के दिया अपने को, जहाँ पे अपने को दो पर्सपेक्टिव दिखा गए कि भाई मूवी मेकर्स की तरफ से क्या गलतियाँ हुई है एंड लोगों की तरफ से क्या गलतियाँ हुई। बट इट इज़ द थिंग भाई, ठीक है मैं मानता हूँ मूवी मेकर्स की तरफ से यहाँ पे शायद कुछ गलतियाँ हुई गई है, ठीक है कि भाई उनको फोटोज़ बिना परमिशन के यूज़ नहीं करने चाहिए थे एंड दैट इज़ डिलीटेड। ठीक है भाई, ठीक है, मतलब यू नो इट इज़ नॉट ओके, बट उसको कट कर दिया गया है, ठीक है चले लेगा, बट यू नो आई थिंक सो यू नो लोगों को अपनी सोच भी थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत है। And that's the shit, भाई पूरा देख लो एक बार, देखते हैं आगे क्या है। सॉन्ग पे जाकर वो सीन कट कर दिया गया है, जो एक सही फैसला भी है, लेकिन ये लोगों को फिल्म बनाने से पहले नेपाल के सेंटीमेंट्स को हर्ट करने वाली इस सीन को डालना ही नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली आप लोगों का क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, नेपाल से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ख्याल रखें अपना और अपने चाहने वालों का। धन्यवाद, खुदा हाफिज, हैव अ नाइस डे। ओके लाइक आई थिंक सो यू नो फॉल्ट तो दोनों का है, इट इज नॉट लाइक फुली मूवी मेकर फॉल्ट और फुली लाइक पब्लिक का फॉल्ट है। यू नो पब्लिक में से भी यू नो 50% ऑफ और मे बी 90% ऑफ लोग इस चीज़ को प्यार ही दे रहे, यू नो दैट 10% ऑफ पीपल जो लोग बस हेट फैलाना चाहते हैं वो बस हेट फैलाते रह जाएंगे। बट इट इज़ लाइक 50-50 भाई, मूवी मेकर्स की भी इसमें बहुत बड़ी गलती, सॉन्ग में जो उन्हें मिस यूज़ किया फोटोज़ का, मिस यूज़ इन द सेंस उन्हें परमिशन लेके यू नो करना चाहते हैं तो मतलब चल जाता, बट यू नो एक्चुअली करना ही नहीं चाहिए, बट अगर उनकी परमिशन है फुली कंसेंट है तो फिर यू नो वो जो भी करे अपने हाथ में नहीं होता है। बट यू नो 50-50 गलती है, पब्लिक की भी गलती है यहाँ पे कि भाई वो लोग कुछ भी लोकेशन से लेकर यू नो लोगों को जज कर रहे हैं, ठीक है उनकी पर्सनल लाइफ में तुमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इंडिया बेसिकली बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनकी अभी भी यू नो कुछ ना कुछ फोटोज़ वो लोग जो प्राइवेट फोटोज़ है वो लोग वायरल कर देते, जस्ट लाइक कोई बॉयफ्रेंड के साथ फोटो वायरल कर रहे हैं, पता नहीं लोगों को इस चीज़ में क्या मजा आता है मेरे को वो समझ में नहीं आता है। तो जस्ट लीव देम अराउंड, ठीक है बाकी ऐसे कोई चीज़ तुमको दिखे इंटरनेट पे तो मेक श्योर करो कि तुम उसको रिपोर्ट कर दिया करो। एंड लाइक मूवी डायरेक्टर्स को, जो भी मूवी मेकर्स में से कोई भी कास्ट टीम में से मेरे को देख रहा है तो भाई उनको भी यही मैसेज है कि यू नो ठीक है अब हो गया तो हो गया भाई, पर यू नो अगली बार तुमको थोड़ा सा कंसेंट ले लेना चाहिए एंड एवरीथिंग। जो भी जैसा भी है लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैटर, मेरे को तो लगता है भाई 50-50 गलती है जो भी चीज़ है एंड बट ठीक है यार अभी गलती हो गई बट अभी तुम लोग उस चीज़ से लेकर मूवी को और यू नो उनकी प्राइवेट लाइफ को जज मत करो, ठीक है मूवी इज़ गोना बी अ बैंगर, ठीक है मूवी देखो एंड इट इज़ अ रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉन्ग कि भाई मतलब वो लोग जो भी कर रहे हैं जैसा भी कर रहे हैं बट उनका उसके कोई पर्सनल रिलेशंस नहीं है, ठीक है तो मूवी अच्छी है, मूवी बनाई गई है सोच समझ के बनाई गई, ठीक है वो डायरेक्टर्स इतनी सारी मूवीज़ बना के बैठे हुए हैं तो उनमें भी दिमाग है यू नो करोड़ों एक मूवी पे खर्च करने के बाद, तो 3 मल्ली मूवी इज़ गोना बी अ बैंगर, ठीक है तो जाके उसे देखना एंजॉय करना, बाकी फालतू लोगों से दूर रहो, ठीक है गलती हो गई जाना तो उसको भूल जाओ बट मूवी देखो मजे करो एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट इट, ठीक है इन द कमेंट सेक्शन। अपन इसको और भी कोई लोग थिंकिंग कुछ अलग रखते हो तो अपन उनके भी बातें सुनेंगे, यू नो आई रिस्पेक्ट यू ऑल द सेम, और बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन में और ऐसा कोई भी और वीडियो हो तो लेट मी नो अबाउट इट, बाकी मिलते तुमसे किसी और अच्छे रिएक्शन, तब तक स्टे सेफ एंड मस्ट टेक केयर एंड टाटा। हुआ मैं तो ये गेमों का खेल के टिकटॉक और चूतियों की गाना हम पे लेते, गेम को घुमाता हूँ जैसे ये बेब्लेड हल्का समझते, अब कहता हूँ चेक में स्कूल में तालिक तरह बुक थी क्लास में दिखते ही दिखते हैं गुम हो गए बैचमेट, ओके मिले फ्रॉम द पीपल हु वर फेक, एम 11 विद वुमन और अ स्नेक, अकेला काटा था मैंने बर्थडे केक, इमेजिनेशन किया था बेक।